हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया न्यू जनरेशन वाली बलेनो। देख सकते हैं कि भाई भाई को गाड़ी लिए सिर्फ 15 दिन ही, और क्या क्या नहीं करा दिया भाई ने। इसमें एक एक चीज़ आपको बताएंगे, सिनेमेटिक शॉट्स देखें, गाड़ी कितनी मस्त लग रही है। आपको कलर देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक कलर लिया हमारे भाई ने, अलॉय व्हील, एक एक चीज़ आपको सब बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सिनेमेटिक शॉट्स देखो, बस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे भाई जिनके बलेनो कार है, भाई की सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख लेंगे भाई की गाड़ी के। सब कुछ पूछते भाई से एक चीज़, भाई सबसे पहले अपना नाम ही बता दो। नाम भाई संजू। संजू नाम भाई, कहाँ से हो भाई? मैं फरीदाबाद। फरीदाबाद से, जैसे कि आप देख सकते हैं HR 51 भी लिखा हुआ है। तो भाई गाड़ी कौन सी और कौन सा मॉडल है भाई? गाड़ी बलिनो है, 2022 मॉडल है। 2022 मॉडल भाई, अपने ऑडियंस को ये बताओ कितना टाइम हुआ इसे लिए हुए? इसे भाई 14 से 15 दिन हुए हैं। 14 से 15 दिन हुए हैं, और क्या क्या करवा दिया भाई देख सकते हो आप? और बहुत ही कुछ अलग ही चीज़ है ना। हाँ जी। तो चलो भाई एक एक चीज़ शुरुआत करते हैं। देखो फ्रंट में आते हैं, और फ्रंट में यार बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, तो पहले इससे ही शुरुआत करें। तो भाई देखो HR 51 AZ और 1515 भाई, नंबर के बारे में बता दो पहले, नंबर कहाँ से मिला है? क्योंकि ऐसे तो मिलते नहीं है नंबर। शुरू से यही चल रहे हैं हर गाड़ी पे, यही शुरू से यही चल रहे हैं हर गाड़ी में। हाँ जी। अच्छा, कितने भाई कितने का मिल जाता है नंबर ये? भाई स्कॉर्पियो पे से उतरवाया, अब उसको बेच रहे हैं। अच्छा। तो ये उस टाइम 80,000 रुपए का लिया था। 80,000 रुपए का लिया। तो भाई आज की डेट में अगर इसकी कीमत पूछे तो कितनी होगी आपके हिसाब से? ये तो भाई नहीं पता, होगी 80 से तो प्लस ही होगी। 80 से प्लस ही होगी। आज 7-8 साल हो गए नंबर को। अच्छा भाई, देख सकते हैं फ्रंट से इसमें कितना भयंकर लुक आता है भाई, आगे से आप देख सकते हैं कि कैसी लगती है अपनी कार। तो भाई से पूछते हैं भाई, जैसे कि मैं पूछना चाहूंगा, ये अपना वेरिएंट बेस मॉडल है? हाँ जी, बेस मॉडल है, क्योंकि बेस मॉडल में इस बार सारी फैसिलिटीज दे दी है, इसलिए बेस मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि बेस मॉडल में प्रोजेक्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो भाई जैसे इसमें प्रोजेक्टर ये मिल जाते हैं अपने, आपने इसमें अंदर लाइट खुद लगवाई या कंपनी से ऐसी लगी? भाई लाइट लगाई है इन्होंने, LED, और कंपनी में वैसी आती है, कंपनी में हैलोजन आती है, बाहर से आपने इसमें LED लाइट लगा दी। भाई इसका रिस्पॉन्स कितना ही ज्यादा मस्त है भाई, नाइट में तो बिल्कुल मजा आ जाता होगा। और भाई नीचे बात करें अपने फॉग लैंप में क्या लगा हुआ है? फॉग लैंप में भी LED लाइट ही है भाई, फॉग लैंप आते नहीं है बेस मॉडल में। अच्छा, बेस मॉडल में अलग से लगवा रखे हैं। ये भी अलग से लगवाए हैं? हाँ जी भैया। अच्छा भाई, इनके क्या प्राइसिंग पड़ेगी सबकी बताओ एक बार भैया? ये 7,500 रुपए की तो पली लाइट है। अच्छा, 7,500 की सीमा भाई। LED है अपनी, HID है? HID है भाई, HID है, इसलिए इतनी कॉस्ट पड़गी भाई। और भाई अगर फॉग लैंप 5,000 रुपए, 5,000 फॉग लैंप विद लाइट? हाँ जी, विद लाइट के साथ अपने फॉग लैंप 5,000 के। और भाई मैं और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि और भी कुछ इसमें आगे से कराना चाहोगे कि जैसे ग्रिल वगैरह कुछ चेंज करा ली? जितनी गाड़ी सिंपल रहती है उतनी ज़्यादा सिंपल ही ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, सिंपल पसंद है तो भाई से इस बारे में क्या ही बोले। साइड प्रोफाइल पे आते हैं,
तो भाई से पूछते हैं एक एक चीज़। देखो बेस मॉडल है तो आपको ये सब चीज़ें तो मिली जाती है कहीं ना कहीं, तो मारुति करती है, तो यहाँ पे इंडिकेटर दे देती है और यहाँ पे ब्लैक कलर के और भी हमें देखने को इसे मिल भी जाते चेंज हैं। करवा देंगे, जल्दी चेंज करवाएंगे अच्छा इसे इसको। जल्दी चेंज हाँ जी, कराओगे, मतलब यहाँ भाई पे की गाड़ी में इंडिकेटर देखो आ अभी जाएंगे, बहुत कुछ आने वाला है वैसे, है आने ना? वाला है, अभी तो 10-15 दिन ही हुए। अरे तो 10-15 दिन हुए तो इतना काम तो कराए दिया, अलॉय वगैरह तो नॉर्मल है ही, भाई को लगवाने थे। ब्लैक जेड भी भाई गाड़ी है भाई, मैं देख सकता हूँ सारे शीशे ब्लैक हैं, अगला कैसे नहीं है? अगला भाई बस फैमिली भी गाड़ी चलाती है, हम तो चला लेंगे पर फैमिली को भी तो देखना पड़ता है फैमिली को थोड़ा सा। दिक्कत होती हाँ होगी ना फिर रात में चलाने में, दिक्कत होती है, तो भाई किसी ने रोका नहीं क्या अभी तक, मतलब पूरी गाड़ी ब्लैक जेड है? बातचीत ऊपर तक है जी। बातचीत बिल्कुल ऊपर तक है। हाँ अच्छा जी, भाई चलो भाई, तो अपने भाई किसी को बोलते हो क्या कि ब्लैक जेड करानी चाहिए? अपने रिस्क पे चलानी पड़े। अपने रिस्क पे? हाँ जी, अच्छा तो भाई देख लो कोई भी कराए तो भाई देखा देखी किसी में के मत ऊपर ना कराना। चलती जेड ब्लैक, अपने ऊपर चलानी तो मतलब भाई पड़े किसी को बोलना चाहोगे कि कराओ ब्लैक जेड? भाई, शौक है सबके, अगर है तो रिस्क उठाना चाहो तो खूब उठाओ, कराओ। बातचीत ऊपर तक है तो करा लो, है ना? हाँ जी, चलो तो और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे भी अपने ये डोर हैंडल भी आपको ब्लैक में दे देते हैं जैसी कंपनी वाले, जो कि बेस मॉडल है ये इसलिए। तो भाई जैसे अगर साइड प्रोफाइल की मैं पूछूँ, कुछ ग्राफिक वगैरह बनवाओगे इसमें, जैसे कि आजकल गुची का सांप वगैरह चल रहा है और भी कुछ? मैंने बोला तो जितनी सिंपल गाड़ी उतनी अच्छी जितनी लगेगी, और वो सिंपल पहले उतनी अच्छी। चले गए सांप अच्छा, वांप गुची पूछी, मतलब कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है जब देखोगे हिसाब हाँ जी किताब, नया है ना? ट्रेंड देखेंगे तो भाई कोई। पहले तो अलॉय चेक करा के तुम देखो यार, कितनी मस्त इसके यार अलॉय लग रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं भाई। अलॉय के बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले जो ये अंदर लाइट लगी हुई है ना, इनके बारे में बताओ भाई, मतलब अपने चारों टायर में ये लाइट लगी हुई है और हाँ जी बिल्कुल भी सही से वर्क कर रही है, क्या प्राइसिंग पड़ेगी इनकी? इनकी भी है 2000 रुपये। 2000 की? कब हाँ लगवाई? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते पहले ही लगवाई है, अभी हाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी लाइट ना? में? ना अभी तक तो ओके है, अभी तक बाकी बिल्कुल देखते ओके हैं। रिपोर्ट है। अलॉय आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ट्रायल प्रोफाइल चेक करा देता हूँ कि भाई अपने अलॉय कितने इंच के हैं और कितने के नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टायर प्रोफाइल लिखी हुई है 205/45R17, तो भाई 17 इंच के हैं अपने अलॉय व्हील। कंपनी कितने इंच की देती है? कंपनी वही 14-15। 14-15 के देती है आपने, हाँ मतलब ये लगवा रखे हैं भाई, कितना टाइम हो गया? वही 15 दिन या मतलब आते ही लगवा दिए? आते ही अगले दिन लगवा दिए थे। अगले दिन मतलब एक भी दिन नहीं चलाई मतलब स्टॉक पे? तो एक दिन भी नहीं भाई, चला। ऐसा क्यों? शौक शौक, शौक अच्छा। बड़ी माड़ी चीज है। अच्छा तो भाई इनके बारे में बताओ, अलॉय की प्राइसिंग क्या पड़ गई? अलॉय की प्राइसिंग पड़ी है भैया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये विद टायर? हाँ, C8 के टायर है। अच्छा अपने ओरिजिनल टायर है C8 के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई ने कोई चाइनीज टायर नहीं लगा रखे, अपने सी एट के टायर लगा रखे हैं। के ओरिजिनल टायर है विद वारंटी। अच्छा विद वारंटी है? हाँ जी। मतलब भाई वारंटी कैसे, एक बार इसके बारे में समझाओ। मतलब अगर टायर फट जाए तो नया मिल जाएगा, नया एक मिल लिमिट जाएगा तक, 1-1.5 साल जो भी लिमिट होती है, अच्छा, 1-1.5 साल तक की इसमें है वारंटी, सही है। भी तो भाई मैं पूछूं, अगर इन अलॉय व्हील के साथ कितनी भगा चुके हो अपनी गाड़ी को? भाई मैंने फिलहाल नई गाड़ी है 120 भगी है फिलहाल, 120 और बाकी ट्राई करेंगे। तो अगर 120 में मैं पूछूं गाड़ी का भाई स्टेबिलिटी के बारे में बताओ, हिली हुई तो नहीं गाड़ी? नहीं नहीं प्रॉपर जम के चलती है, बिल्कुल जम के चलती बिल्कुल है, बिल्कुल जम के। अच्छा और भाई ब्रेकिंग की बात करूं, क्योंकि आपने जो 2-3 इंच बढ़वा लिए है ना, उसके चक्कर में अगर ब्रेकिंग में कुछ दिक्कत? फिलहाल तो सब ओके है, बाकी गाड़ी को 1 हफ्ता ही हुआ है। अच्छा भाई देखो नई गाड़ी है, अभी इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई होगी ना? अभी नहीं हुई कुछ तो भी, एक भी सर्विस गाड़ी की अभी हुई नहीं है और आपने अलॉय व्हील भी लगा दिया, तो माइलेज तो बहुत ही कम दे रही होगी भाई गाड़ी? भाई माइलेज तो दे ही नहीं रही फिलहाल तो नई गाड़ी, माइलेज इसीलिए मतलब ऊपर से भाई कितने की दे रही है आपके हिसाब से? फिलहाल भाई 12-13 की मतलब दे रही है। हाँ जी। अच्छा तो भाई ये तो बहुत ही कम है। कोई बात नहीं भाई, शौक करने है तो चलाएंगे भी। अच्छा भाई ये चीज़ भी भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शौक है तो भाई चलानी तो पड़ेगी। बाकी आपको मैं और भी चीज़ें चेक कराता हूँ, बैक से आपको चेक करा दे भाई ने क्या क्या करा रखा है इसमें। भाई ने देखो यहाँ तक ये शीशे भी नहीं छोड़ रखे अपने भाई, इतने से ये भी काले करा रखे हैं भाई, मतलब कुछ तो छोड़ देते। भाई बैक प्रोफाइल से बात कर लेते हैं, एक एक करके बताओ, जैसे कि भाई कंपनी से अपने को ऐसी टेल लाइट देखने को मिल जाती है कुछ ऐसी, आप देख सकते हो यहाँ पे भाई ने गुजर भी लिखवा रखा है, गुजर है तो पीछे का शीशा पूरा ब्लैक है 100% भाई, 100% हमने सारे। हाँ जी जेड है बिल्कुल, पूरी जेड है। अच्छा और देख सकते हो आप बेस मॉडल में आपको सारे सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं भाई। ये कैमरा के बारे में बताओ, ये कंपनी से मिला है क्या? नहीं भैया ये लगवाया अलग। अच्छा ये लगवाया, कितने की प्राइसिंग पड़ेगी इसकी? इसकी पड़ रही है 2800 रुपये। 2800 रुपये सिर्फ कैमरे का? भाई अगर स्क्रीन की बात करें, अंदर स्क्रीन भी होगी फिर तो? हाँ जी स्क्रीन भी है अंदर। स्क्रीन कौन सी है? स्क्रीन पता नहीं है मेरे को, वही एंड्रॉइड वाली आती है जो। अच्छा कंपनी के बारे में नहीं पता। यहाँ पे मेरे को व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है, वैसे इसमें व्हाइट आती नहीं है? नहीं व्हाइट नहीं आती है, अलग से लगाई। इनकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी? इसकी 500 रुपये भी। 500 रुपये की लग गई? हाँ जी, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ती लग गई भाई। हाँ ये छोटी छोटी लाइट तो मतलब ऐसा तो नहीं भाई जल्दी खराब हो जाएगी? ना ना अभी तक तो हुई नहीं है, बाकी देखते हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो सिर्फ 15 दिन ही हुए ना गाड़ी को, अभी तो बिल्कुल नई है गाड़ी, जैसे कि आपको दिख भी रही होगी सिनेमेटिक शॉट्स में भी आपने देखी होगी। देखो इंटीरियर में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बेस मॉडल में आपको सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहीं से अपने डोर
डोर अनलॉक और भाई लॉक हो जाएंगे। ये पावर विंडो भाई लॉक करने का सिस्टम, यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, बोतल होल्डर और यहाँ पे ट्विटर भी लगा रखा है भाई। वैसे तो आफ्टर मार्केट लग रहा है ट्विटर मेरे को। हाँ जी आफ्टर मार्केट, तो मतलब कंपोनेंट वगैरह लगा रखे हैं इसमें। हाँ इसमें कंपोनेंट लग रहे हैं भाई। क्या क्या लगा हुआ एक बार बताओ। इसमें भाई चार कंपोनेंट लग रहे हैं। अच्छा, और चार ही ट्विटर लग रहे हैं। मतलब दो कंपोनेंट के सेट लगा रखे हैं आपने अपने ये ब्लू पंक के भाई। क्या प्राइसिंग पड़ेगी इनकी? इनकी भाई 15,000 रुपये। 15,000 रुपये सिर्फ कंपोनेंट की? हाँ जी कंपोनेंट और ट्विटर, चार कंपोनेंट है और चार ट्विटर है। चार ट्विटर भाई, थोड़े महंगे नहीं पड़ गए आपको? नहीं, एक सेट ही 6,000 रुपये का आता है। एक दो सेट लग रहे हैं इसमें आता है। अच्छा जैसे भाई आपने वूफर वगैरह नहीं लगवा रखा कोई? और वूफर भाई हैंडमेड वूफर में टाइम लगता है। अच्छा। तो ऑर्डर कर रखा है उसमें। ऑर्डर कर रखा मतलब वैसे आप लगवाते नहीं भाई, बने बनाए क्यों नहीं लगवाते? उनका समझ नहीं है ना भाई जो। अच्छा, मतलब आपको वो समझ में ही नहीं आते। हाँ, वो चलो मजा भाई नहीं है। सबका अपना अपना टेस्ट है, बाकी इंटीरियर आपको चेक कराते हैं। देखो वो मजा नहीं है ना। अच्छा, तो भाई इंटीरियर में आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ स्टेयरिंग मिलता है जो कि अपने स्विफ्ट में आता है। मीटर आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा मस्त कर दिया इस बार बलेनो का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल। इधर आप देख सकते हैं भाई बेस मॉडल में भी आपको मतलब भाई क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि भाई मेरे को काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। देखो पूरा मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको एसी मिलता है, वो भी बेस मॉडल में। तो भाई ये चीज तो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, क्योंकि वो भाई जो घुमाने वाले होते हैं ना, वो मैनुअल होते हैं, वो अजीब से वो बहुत अजीब से लगते हैं ना। और देखो इतनी बड़ी स्क्रीन भाई ने बाहर से लगा रखी है। तो भाई इस स्क्रीन के बारे में बताओ, ये कितने की पड़ी थी? ये भाई 12,000 रुपये की पड़ी। अच्छा, 12,000 रुपये की सिर्फ स्क्रीन पड़ गई आपको स्क्रीन। तो भाई आगे भी काम कराएंगे, उसके बारे में मैं आपको चेक करा दूंगा। अभी तो पता बहुत कुछ आने वाला है ना भाई। अभी तो भाई 15 दिन ही हुए गाड़ी को, और देखते और देते 15 दिन में इतना कुछ करा दिया तो आगे तो हम बता ही देंगे आपको। बाकी सब देखो यही आपको IRVM मिलता है डे नाइट वाला, और यहाँ पे आप सनवाइजर देख सकते हैं। दोनों रीडिंग लाइट आपको बीच में मिलते हैं, जो कि भाई ने इसमें भी देखो LED करा रखी है, जैसे कि ये अपनी ऑन भी हो गई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा कुछ ऐसे वर्क करता है जब भाई अपना चलता है भाई ये कैमरा, जैसे कि हम रिवर्स गियर लगाएंगे अपना, तो ये कैमरा कुछ ऐसे वर्क करता है। इसकी क्लियरिटी तो बहुत ही ज़्यादा मस्त आ रही है भाई, जैसे कि मतलब शाम हो चुकी है। और भाई टाइम आप देख सकते हैं कि 6:43 हो गया, अपनी शाम भी हो चुकी है। कैमरे में तो आपको पता नहीं लग रहा, पर देखो इसकी क्वालिटी अभी भी कितनी बढ़िया है रात के टाइम भी। तो आपको अब आउटपुट चेक करा दें, फिर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। भाई से पूछते हैं भाई ने टोटल कितने लाख की मॉडिफिकेशन करा रखी, क्योंकि छोटा मोटा काम करा रखा है जैसे कि अलॉय हो गए और लाइट्स वगैरह हो गई, उसके बाद तो अभी और कुछ आने वाला है। 15 दिन में इतना करा दिया। आएगा भाई 15 दिन का वेट और करो, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। चलो भाई आपको आउटपुट सुनाते हैं। इस दिल नूं फेर समझाना मैं, झट किस्सा हुण जान दे क्यों अखां ने भरियां, क्यों गल चो लाउण नूं फिरदी जो हत्थीं गानियां पईयां। औखी आ सट च जरनी, बस गल तेरे नाल सी करनी, सारा कुछ आप देखदा, बस तूं सी हामी भरनी। मेरे नाल करके तू बढ़ जाते, तेरे बिना अखां कट्टा पल बलिए, मेरिया सुखना बिच जावे अज कर मेरे मसले दा हल बलिए। भाई आउटपुट हमने सुन लिया, मतलब वोकल एकदम क्लियर आ रही है भाई, अपने ब्लू पंक के एकदम सही काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि महंगे भी हैं, तो उस हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा आउटपुट है, बस बेस की कमी है भाई कहीं ना कहीं। बेस की भाई जल्दी आएगी, टेंशन मत लो। अच्छा, बेस भी जल्दी आएगी, ऑर्डर दे रखा है बूफरों का। चलो भाई अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और भाई ये बता दो कि कितने लाख खर्च हो गए भाई इसको पूरी अभी तक जितनी भी तैयार कराई है इसमें? भाई 1,00,000 रुपये लग चुके हैं, अगर छोटा मोटा तो वैसे गिनते नहीं है, बाकी 1,00,000 रुपये लग चुके हैं लाइट वगैरह, लाइटनिंग 2,000-4,000 रुपये गिने नहीं जाते। अच्छा, मतलब जो छोटे मोटे चीज होते वो गिने नहीं जाते। हाँ जी, फिल्म उतरती है चढ़ती है। पर इसमें अपना नंबर नहीं है ना भाई? नहीं, 1,00,000 में नंबर नहीं है, अगर नंबर लगाए तो 180 समथिंग, 180 समथिंग होगा ना अगर नंबर लगाए। नंबर नहीं गिना भाई ने, क्योंकि भाई ने अपनी गाड़ी में से उतरवा के लगाया, पुरानी गाड़ी में से उतरवाया। तो चलो भाई से फिर से मिलेंगे, भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपको शो रही होगी, भाई को आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी अच्छी रील्स देख सकते हैं। फिर से मिलेंगे भाई से जब भाई से और अच्छी मॉडिफाई करा लेंगे और काम करा लेंगे, जैसे कि भाई बता रहे हैं कि वूफर बनने के लिए दे रखे हैं ना भाई। हाँ जी भाई, तो जब वो हो जाएंगे तब भाई से फिर से मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, और वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। Thank you.